दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार शाम को जनकपुरी में दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के एक सेक्शन का उद्घाटन किया। दोनों ने 24.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी पश्चिम कालकाजी मंदिर सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि आम लोगों के लिए ये मेट्रो सेवा मंगलवार से उपलब्ध होगी। दिल्ली पुलिस ने एक 21 साल के शख्स के कत्ल के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कत्ल का मुख्य आरोपी देशबंधु कॉलेज का बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है। पकड़े गए 7 आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गाड़ी चोरी करने के लिए हाईटेक तरीके का इस्तेमाल कर सिर्फ 2 मिनट में गाड़ी चोरी कर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की 4 कारें बरामद की हैं। दिल्ली के बवाना थाना एरिया में बीती रात लुटेरों ने कार को गन पॉइंट पर लूटा, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी की और लुटेरों की कार का पीछा किया। इस घटना में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग के बाद लुटेरे अपने सेंट्रो कार छोड़कर लूटी गई क्रेटा कार से फरार हो गए। अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी से आप विधायक राजेश ऋषि के घर पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना विधायक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई पॉलिसी लाएगी। प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिशों को फिलहाल जनता के सुझाव के लिए रखा गया है, जिसे महीने भर बाद कानूनी जामा पहना दिया जाएगा।